किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम किरदार के बारे में जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे वो है युसुके कफुकू। फिल्म ड्राइव माई कार का युसुके कफुकू। ड्राइव माई कार एक जैपनीज ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रयुसुके हमागुची ने। ड्राइव माई कार हरुकी मुराकामी के शॉर्ट स्टोरीज की किताब मैन विदाउट वुमेन की एक स्टोरी से इंस्पायर्ड है। युसुके कफुकू का किरदार निभाया है हिदेतोशी निशिजिमा ने। दोस्तों, ये पहली जैपनीज फिल्म है जिसको ऑस्कर के बेस्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। इस फिल्म ने बाकी फिल्म फेस्टिवल्स में भी बहुत अच्छा किया है। 2021 के कांस फिल्म फेस्टिवल में इसने 3 अवार्ड जीते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर में कुल 5 नॉमिनेशन मिला है। ये एक सिंपल, खूबसूरत और इमोशनल फिल्म है। इस फिल्म को आप HBO Max पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी किरदार को निभाने के लिए, किरदार को बनाने के लिए कुछ जरूरी सवाल होते हैं, जैसे किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता क्या है, किरदार कहाँ है, इस जगह पर क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। दोस्तों, इन्हीं सवालों से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जरूरी सवाल है किरदार को पढ़ने के लिए। दोस्तों, जैसा कि अब हम किसी एक सीन या सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, आज जिस सीक्वेंस की हम बात करेंगे उस सीन में युसुके, उसकी ड्राइवर, उसका स्टूडेंट कोजी, जिसे युसुके ने अपनी पत्नी के साथ देखा था, तीनों कार में हैं। और जिस तरह युसुके कोजी के मुंह से अपनी पत्नी के बारे में सुनता है वो देखने लायक है। जब वो उसे सुन रहा होता है, आप उसकी आंखों में उसकी पत्नी के यादों को देख सकते हैं। ये एक उम्दा अदाकारी है। इस समय में युसुके कफुकू एक एक्टर और थिएटर डायरेक्टर है। उसका थिएटर सर्कल में अच्छा खासा नाम है। इस वजह से उसे दूसरे स्टेट या थिएटर कंपनी में फैकल्टी के रूप में भी बुलाया जाता है। वो जापान में है और बहुत सारी जगहों पर वो थिएटर वर्कशॉप लेने जाता है। इस वजह से वो घर से बाहर भी होता है। उसे अपने थिएटर, अपनी वाइफ और अपनी कार से प्यार है। एक तरफ उसकी वाइफ है जो उसे धोखा दे रही है और दूसरी तरफ कार, जिसने आज तक उसे कभी भी धोखा नहीं दिया है। युसुके को मालूम है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, लेकिन उसे कुछ कहता नहीं है। और अचानक से एक दिन उसकी बीवी मर जाती है। इस समय अपनी पत्नी की मौत के बाद वो एक थिएटर वर्कशॉप के लिए हिरोशिमा जाने वाला है। वहां उसे एक प्ले तैयार करवाना है। वो एक अच्छा एक्टर है जिसने बहुत सारी जगहों पर एंथोन चेकअप का नाटक अंकल वैन्या प्रस्तुत किया है, लेकिन अब वो इस नाटक में वैन्या का किरदार नहीं निभाना चाहता। उसकी वाइफ के अचानक गुजर जाने से उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। वो अपनी वाइफ के साथ बिताए सच्चे पल को भी दूसरे नजर से देखने लगता है। वो मानता है कि वो अपने प्यार की वजह से अपनी बीवी के सामने कुछ दिखा नहीं पाया, कि उसे मालूम है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। युसुके जिसके बारे में ये सब सोच रहा है, वो ये सब उससे कभी भी नहीं पूछ सकता। वो असमंजस में है कि उसने ठीक किया या गलत। अपने वाइफ के साथ नॉर्मल रहना कहीं ना कहीं धोखा था, क्योंकि उस वक्त वो बहुत टूटा महसूस करता था, लेकिन ये बात उसने कभी भी अपनी वाइफ को नहीं कहा। जिस रात उसकी वाइफ का देहांत हुआ, उस रात वो जानबूझकर लेट आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस रात भी उसकी वाइफ किसी गैर मर्द के साथ होगी और उसके जल्दी पहुंच जाने से उसकी वाइफ का उसके सामने भंडाफोड़ हो जाएगा। उसे लगता है अगर उस रात वो टाइम से घर चला जाता तो उसकी वाइफ आज जिंदा होती। उसकी पास्ट लाइफ जो कहीं ना कहीं बुरी यादों की वजह से उसके साथ है, वो चिल्लाना चाहता है, अपनी वाइफ से बोलना चाहता है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। वो नाटक में एक्ट भी करना चाहता है, लेकिन बीच नाटक में इमोशनल हो जाने की वजह से अब करना नहीं चाहता, क्योंकि नाटक के कुछ पार्ट्स उसे अपने जीवन जैसे लगता है, जिसे वो भुला देना चाहता है। वो इन बुरी यादों से छुटकारा पाना चाहता है। थिएटर कंपनी की पॉलिसी की वजह से उसे एक ड्राइवर दिया जाता है, जो उसके सफर में साथ होने के साथ साथ उसके इमोशन में भी साथ हो जाती है। उसकी मदद से अपने मन को शांत कर लेता है और अपने जान से ज्यादा प्यारी कार उस ड्राइवर को दे देता है, जो उसकी असल में हकदार थी। दोस्तों, किरदार की चाहत और उसके रास्ते में बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है, लेकिन अंत में किरदार उस पर काबू पा लेता है या उसे पा लेता है। किसी भी किरदार को जब हम देखते हैं तो उसको देखते ही हमें पता लगने लग जाता है कि किरदार की चाहत क्या है, और धीरे धीरे उसके दिक्कतें भी समझ आने लगती। किसी भी किरदार को उसकी चाहत और उसकी दिक्कत ही कंप्लीट करती। इन दोनों के बिना किरदार की जिंदगी अधूरी या कभी जिंदगी ही नहीं हो सकती। किरदार जानने की यह कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। यह भी जरूर बताएं किसी भी किरदार को आप कैसे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आने के लिए आपका शुक्रिया।